जैसे मुबीन आरिफ, एम ए फिटनेस से। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो हमें महमूद आलम साहब ने भेजा था, जैसे उन्होंने हमसे ये पूछा था कि बच्चों की हाइट बढ़ाने के क्या क्या तरीक़ेकार हैं। तो आज हम उन वीडियोस ऐसी वीडियो बना रहे हैं जिसपे हम डिफरेंट एक्सरसाइज बताएंगे कि बच्चों का कैसे लंबा हो सकता है और क्या क्या एक्सरसाइज करवाए जाएँ, तो वो सब हम आज करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको अच्छी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो पर कॉमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसको लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। आप इस वीडियो में आप देख रहे हैं, मैंने जॉगर्स इसी वजह से नहीं पहने क्योंकि मैं अपने पंजों पे यूँ हुआ उठा हुआ और मैं यहाँ से हाथों को भी यूज़ कर किया हुआ और मेरे एक एल्बो पूरा रिवर्स वी बना हुआ है बॉडी का। इससे मैं बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन अपनी बॉडी की ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा हूँ, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होगी और आपके कद बढ़ने की वजूहत में इजाफा हो सकता है। जैसे कि भाई 30% ज़्यादा एक्सरसाइज एक्टिविटी को अगर हम 15 से 20 सेकेंड 3 से 4 दफा करें तो स्टैंड बैक पर। अब क्या करना है, मैंने अपने पंजों पर उठना शुरू करना है। 1 2 आज की वीडियो मैंने बिना जॉगर्स के इस वजह से बनाना शुरू की है ताकि आप लोगों को भी बता सकूँ। जॉगर्स में मैं अपने पैरों की मूवमेंट आपको सीधा बताने लगता हूँ, जिसमें मैंने पंजों अपनी काफ को उठाऊँ। ये बेसिकली मैं अपनी काफ स्ट्रेच कर रहा हूँ। 30 सेकेंड्स से लेके 45 सेकेंड्स तक करना है, 3 से 4 दफ़ा करना है। मैंने अपनी पैरों को आगे पीछे किया और ये जब पूरी स्ट्रेच करा। अगर आप देखें तो इस इन कद लंबा करने की एक्सरसाइज में हमें बेसिकली बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी है और ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में इम्प्रूव करना है। अगर मैं पूरी बॉडी को स्ट्रेच करूँगा तो इस तरीके से, जैसे राइट किया 20-25 सेकेंड और अब मैं लेफ्ट कर रहा हूँ। अगर आप देख रहे हैं इस वक्त मैं पेल्विक बोन में ब्लड सर्कुलेशन के लिए कर रहा हूँ, तो मैं थोड़े से नीज को स्ट्रेच करूँगा, मूव करूँगा। इसको बटरफ्लाई एक्सरसाइज कहा जाता है, नाम से मशहूर है एक्सरसाइज ये करके, तो आपके यहाँ पे टांगों में और नीचे पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन और इम्प्रूव हो जाएगी। सो थोड़ा सा एडवांस करेंगे तो मैं थोड़ा सा अपने सर के नीचे लेके जाऊँगा ताकि बैक बोन में और आपकी हैमस्ट्रिंग कॉर्ड के साथ तमाम मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन हो। तो उम्मीद करते हैं सब इसी साथ और वीडियो चल रही हैं, चले बस करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है, तो बेसिकली मैं अब अपनी बैक बोन में स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जितना इम्प्रूव होगा मेरी बॉडी के अंदर उतना ही ज़्यादा कद बढ़ने के चांसेस 70-80% हो जाते हैं। मैंने अपनी पूरी लोअर बॉडी स्ट्रेच कर लिया, अब अपर बॉडी पे आते हैं जो कि हमारी वीडियो का ऑलमोस्ट ख़त्म पे है, खात्मे पे है। 30 सेकेंड्स कर लिए जी, हमने लोअर बॉडी पूरी स्ट्रेच कर ली, अब अपर बॉडी की बारी। तो मैंने अपने हाथ को रेज किया और इसको थोड़ा स्ट्रेच कर लिया आहिस्ता आहिस्ता, ब्लड फ्लो करना है हमें सिर्फ राइट। 15 सेकेंड मैंने राइट लेफ्ट किया, 2 15 सेकेंड में राइट कर, रोटेशन करेंगे। बेसिकली ये फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज है और ब्लड फ्लो, हमें सिर्फ ब्लड फ्लो करवाना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, ऑलमोस्ट अपनी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ आ गए हैं। इसमें मैंने अपने हाथ को इस तरह की तरफ लेके गया और इसको स्ट्रेच करा, 0 चेंज, 2 3 चेंज, 1 2। मैंने हर अपनी गर्दन को चारों तरफ 10-10 सेकेंड के लिए किया, तो तकरीबन 40 सेकेंड्स हो जाएगा। इसी सेट को आपने एक्सरसाइज के 3 से 4 सेट करना है। ये मैंने एक एक्सरसाइज के एक सेट बताया, आपको 3 से 4 सेट खुद करना है। अब चलते हैं हमारी आखिरी एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा, जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें हम बेसिकली लटकेंगे और लटकने की वजह से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होगी और इस तरह हमारे कद पहले कम से कम 30 से 40 सेकेंड हमें लटकना है। इसी एक्सरसाइज को 3 से 4 दफ़ा रिपीट करना है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी और हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और ये वीडियो पसंद आए इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कुछ भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।